जब तक कल्चर, जब तक जो है आपके फ़नून लतीफ़ा, आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आपका विजुअल आर्ट्स है, आई मीन कि ये जब तक आपकी लाइफ का, ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो तब तक जो है वो उस सोसाइटी का प्रोग्रेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, आई नामुमकिन मीन है। नामुमकिन है। ठीक है, जब हम बात, वो कहते हैं कि अगर किसी सोसाइटी को तबाह करना है तो सबसे पहले उसके जो सोचने वाले हैं, जो लिखने लिखने वाले वाले हैं, हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो सवाल करने वाले हैं, उनको आप ख़त्म कर दें, हाँ, उनको दबा दें, उनको खामोश कर दें। लेकिन वी आर फ्री सोसाइटी, तो फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा फ्री सोसाइटी किसने कहा? है? ये तो मुझे लग रहा है कि लतीफा नहीं, हम है। आज़ाद मुल्क हैं। नहीं, आज़ाद तो हम आज़ाद मेरे ख्याल से सिर्फ ये दिखाने के लिए हुए हैं कि हम जो हमारी रूट्स थी उससे हम आज़ाद हो गए, क्योंकि हमारी रूट्स जाहिर है जहाँ से मिलती हैं वो सभी जानते हैं, इंडस सिविलाइजेशन से, जो कि अगर हो सकता है भाई हम बाद में मुसलमान हुए, इससे पहले तो यहाँ पर जो लोग थे वो सभी को मालूम है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। मैं अरब नहीं हूँ, ठीक है, ना ही जो हमारा वहाँ का जो लिबास है, ना हमारा खाना वैसा है। अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, सारी चीज़ें हमारी इंडिया से मिलती हैं, सारी चीज़ें हमारी बांग्लादेश से मिलती हैं, तो हम तो इसी रीजन के हैं ना, तो आज़ाद कहाँ से हो गए? अगर मैं वो आर्टिस्ट को देखता हूँ, अगर मैं जो है वो उसकी राइटिंग को देखता हूँ, और मैं उस पैशन को जब मैं देखता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इवन अगर हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है, तो फिर ये क्यों इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही? देखें, ये तो हमारी रियासत की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है, और सिर्फ इसमें ही नहीं, क्योंकि अब ज़ाहिर डिजिटल मीडिया आ चुका है, या ड्रामे हैं या फिल्म है, तो उसमें आपको काफ़ी मार्जिन मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा मीडियम है जिसमें आपको अगर हुकूमत की तरफ से या आपकी जो रियासत है उसकी तरफ से अगर नहीं है सपोर्ट, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो पहली बात यह है कि यहाँ पर मुझे इस्लामाबाद में नज़र आता है कि इतने सारे बने हुए हैं, पीएनसी है या एकेडमी अदबियात डिफरेंट है, डिफरेंट ऑडिटोरियम्स हैं। ऑडिटोरियम्स हाँ, की कमी नहीं है, खाली छोटे पड़े से हुए हैं। शहर हाँ में हाँ ऑडिटोरियम्स की कतई कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ कव्वे बोल रहे हैं। ये बिल्कुल जो मुहावरा है ना, ये इस पे सादिक आता है, क्योंकि आप जब भी जाएं उनसे बात करने के लिए कि भाई हमें ये दे दें, होना तो ये चाहिए था कि पीएनसी हो गया या और दीगर जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर जितने भी बच्चे काम करने वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दो दो तीन तीन घंटे के लिए आप जगह दें, लोग आएंगे, आपका भी पैसा जनरेट होगा और लोगों को एक तफरी भी मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी किसी गवर्नमेंट को कभी इस तरफ ख्याल ही नहीं आया है। जो हमारे इदारे इस्टेब्लिश नहीं हुए ना, बहुत सारी यानी कि बार बार जो डिक्टेटरशिप आती रही, उसके नतीजे में, क्योंकि देखें डिक्टेटरशिप का मकसद ही ये होता है कि आप सोचने समझने वाले लोगों को, और सोचना समझना कब आता है, आप डॉक्टर बना के सोचना समझना नहीं, आप इंजीनियर भी सोच, आईटी वाला भी नहीं सोचना समझने वाला होता, अभी तो ठीक है, पीएचडी डॉक्टर भी नहीं भी नहीं सोचते समझते, समझते अब तो हैं। कोई भी नहीं है ना। हाँ, सोचने समझने वाले कौन होते हैं? जो फलसफे पे बात करते हैं, जो हिस्ट्री पे बात करते हैं, जिनको फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी हो, जो अदब को देखते हैं। तो जब आपको ना हिस्ट्री की, हमारे आजकल के आप किसी बच्चे से बात कर लें, उनको हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है कि आज से 15-20 साल पहले, उनके लिए तो यही हिस्ट्री है कि 15 साल पहले या 20 साल पहले इमरान खान ने जद्दोजहद शुरू की थी, इससे पहले तो कोई पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं वर्ल्ड था, कप से हिस्ट्री शुरू हुई। शुरू होती है हमारी तो ये अलमिया है। तो फिर जाहिर है, फिर रूल करने वाले आप पे रूल कर रहे लेकिन हैं उसको कॉन्शियसली अरेस भी तो किया गया ना, जब किस चीज हम को, हिस्ट्री की हिस्ट्री की बात बात हम हम करते करते हैं हैं हर चीज को। और ये देखें, यहाँ नहीं हुआ है, ये पूरे पूरे दुनिया का मसला बनता जा रहा है अब ये। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, हम समझते हैं कि हमारे यहाँ शिद्दत के साथ है, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ सबको मालूम है कि हुकूमत किन की होती है, तो जाहिर है उनके लिए तो यही है कि यार सोचने समझने वाले लोग ना मौजूद हों आसपास। लेकिन अगर आप अब देखें जिस तरह से गजा में जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन में जिस तरह से इसराइल का जो एक चल रही है, जो वॉर चल रही है, तो सबको मालूम है कि उसके लिए आप किसी भी इंटरनेशनल मीडिया में आवाज नहीं उठा सकते। और बड़े जब बड़े आप आवाज उठाने की कोशिश तो करते हैं कहाँ है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? कहीं पर भी नहीं है। तो सिर्फ अपने अपने मतलब की चीजें उन्होंने सबने, हाँ हमसे कंपैरेटिवली वो लोग बेहतर हैं, लेकिन वहां भी अब कदगने लगाई जा रही हैं।
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फिर एक इल्यूजन ही है। हाँ, अब तो बनता जा रहा है। अब तो जिस तरह से राइट विंग पूरी दुनिया, अब पोलैंड में देखें, अभी चंद दिनों पहले की बात है, कपल ऑफ डेज अगो, बिल्कुल बुनियाद परस्त जीत कर आए हैं। आप जर्मनी में देख लें, फ्रांस में देख लें, हर जगह अब चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। ट्रंप का आना कोई आसान बात है? यानी ट्रंप आया है और हो सकता है अगली दफ़ा फिर आ जाए वो, या हमारे यहाँ इमरान खान का आना, तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से दुनिया पूरी दुनिया में ही एक वेव है इस वक्त जो है, एक बुनियाद परस्ती की, बुनियाद रिलीजन परस्ती की, फंडामेंटलिज्म की, एक हम राइट, एक जो अप्रोच है विंग की तरफ है जो है वो जा रहे हैं। चलें हम इंडिया की बात करते हैं, तो हमें अक्सर ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि देखें वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अभी मेरे अपने घर में ये बात हो रही होती है, देखो मोदी क्या कर रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो डायनामिक्स पूरे चेंज जो है ना वो हो गए हैं। और इधर हम देखते हैं तो इधर भी कुछ सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। तो वो फिर दो कौमी नजरिया जो है वो कहते हैं देखें सच हो गया ना, दो कौमी नजरिया, मुझे लगता है कि वो तो फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान जाहिर है एक मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया गया, तो जाहिर है दो कौमें ही थी ज्यादातर देखा जाए तो, पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू। तो जब पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन, यानी पाक जमीन, तो पाक जमीन में मुसलमान ही आए, तो जो पीछे रह गए मुसलमान, तो हिंदू तो उस वक्त कह सकते थे कि भाई आप जाएं, आपका तो मुल्क बन चुका है, ये हमारा हिंदुओं का मुल्क है, हम हिंदुस्तान नाम ही है उनका। लेकिन चूंकि वहां रहा रहे, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा कि नहीं सब साथ रहेंगे। तो अब मोदी की गवर्नमेंट ने आके अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन हमने खुद मुहैया की है। हम उन्हें ये बार बार हर कुछ अरसे के बाद ये जस्टिफिकेशन देते रहे कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो उनको भी वापस यहीं आना चाहिए, बेशक आप रख नहीं सकते। और फिर अब्दुल कलाम ने तो पहले ही कह दिया था कि ये एक गैर फितरी तकसीम है। तो वो बांग्लादेश का बनना दो कौमी नजरिए की एक तरह से फ्लॉप ही होना है। फेमिनिज्म की तहरीक को भी हमारी खवातीन ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमें जो इसको जिस तरह से लेके चलना चाहिए था, अगर उनसे कहो कि नहीं ये तो बिल्कुल नेचुरल है, तो नेचुरल तो बंदा बरहना पैदा हुआ है तो फिर आप बरहना भी हो जाए, क्यों नहीं हो सकते। तो भाई हर जगह पे बैलेंस होना बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरी है, और हमें उन बच्चियों के लिए, वो जो कि बिल्कुल घरों में कैद हैं या एब्यूज़ का शिकार है, उनके लिए अपने आप को रोल मॉडल बनाना है कि यार बाहर निकलने वाली औरत खराब नहीं होती है। आजकल के दौर में जल्दी बच्चियों की शादी कर देना वो उनके साथ एक तरह का एक जुल्म है, क्योंकि लेकिन इट इज हैपनिंग, अनफॉर्चूनेटली इट इज हैपनिंग। जाहिर है सिर्फ शहरों में शायद हालात बेहतर हुए हैं, अभी भी आप इंटीरियर में जाएं तो आपको यही नजर आता है कि बच्चियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो उनकी शख्सियत ही नहीं उभर के आती है, और मतलब वो मैच्योरिटी नहीं मिलती, वो पुख्तगी नहीं उस तरह से आप शख्सियत में नहीं आ पाती, और वो जिंदगी की उस तरह से समझ ही नहीं आई होती कि जो है वो ये हो जाता है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट का जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है सो वो प्रिवेंट करता है कि अंडर 18 जो है वो नहीं होनी चाहिए, बट लेकिन पंजाब में नहीं है तो वो यहाँ क्या कर देते हैं। हमारे पाकिस्तानी कौम तो बड़े इस तरह की जुगाड़ टाइप की है, तो वो तो सब कर लेते हैं।